बाद राष्ट्राए थवा मामले अंते पोलिस फरियाद नोंधवामां आवी हती। त्यारे स्टेन्डिंग कमिटी चेरमेन जयमीन ठाकरनुं निवेदन जोवा मळ्युं हतुं। तेमणे पण जणाव्युं हतुं के आरएमसी ऑक्टोबर महिनामां पोलिसने फरियाद आपी हती। प्राथमिक दृष्टिए पार्किंगना मार्जिनमां बिल्डर द्वारा स्लेब तैयार करवामां आव्युं हतुं। ज्यां सुधी स्ट्रक्चरल रिपोर्ट तैयार नहीं थाय त्यां सुधी दुकानो खोलवामां आवशे नहीं। जवाबदारों सामे कार्यवाही करवामां आवशे। त्यारे महानगरपालिका कोईने बचावती नथी तेवुं जयमीन ठाकर द्वारा जणाव्युं हतुं। सर्वेश्वर चौकनी ज्यारे घटना बनी एना प्रथम दिवसथी राजकोट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशननुं स्टेन्ड एकदम क्लियर छे। कोईपण जातनी एवी दुर्घटना बनती होय त्यारे कोईपण प्रॉपर्टी जे प्राइवेट प्रॉपर्टी होय एने सील करवामां आवे छे। राजकोट महानगरपालिकाए आखी प्रॉपर्टीने सील करी छे। जे कॉर्पोरेशननो प्रीमाइसिसनो ભાગ હતો કે જ્યાંથી વોકડાની સાથે સાથે જ આ બિલ્ડરે એ ભાગ બનાવી દીધો હતો, એને પણ 37 વર્ષ થયા હતા, એની ડ્યુરેબિલિટી પણ નબળી આવી, એટલે એ પણ અમે પાડીને અમારું મલ્ટી લેવલ પાર્કિંગ ટૂંક સમયમાં ચાલુ કરી રહ્યા છીએ। सर्वेश्वर चौक में आवेल शिवम कॉम्प्लेक्स में राजकोट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नु गाइडलाइन एकदम क्लियर छे। ज्यां सुधी स्ट्रक्चरल फिजिबिलिटी रिपोर्ट ए बिल्डिंग माथी नहीं अमने आपे त्यां सुधी अमे चालू नहीं ज करवा दे। राजकोट महानगरपालिका बहुज क्लियर छे एटला माटे अमे लोको, कारण के अमारी एक नैतिक जवाबदारी थाय ज्यारे कोई दुर्घटना बनी होय, दुर्घटना बन्या बाद ईज बिल्डिंग नी अंदर फरी पाछू लोकोने वेपार धंधो करवा देवो એ શક્ય જ નથી। નીચેનું જે ગ્રાઉન્ડ રિયાલિટી પણ અમે લોકોએ ચેક કરી છે, સ્ટ્રક્ચરલ રિપોર્ટ આવ્યા બાદ જ અમે ચાલુ કરવા દેશું। નર્મદા જિલ્લામાં આવેલ ભાદરવા દેવ બાથીજી મંદિર આદિવાસી સમાજનું આસ્થાનું કેન્દ્ર